हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज 12 बजे से लेकर 10 बजे तक गिग्स बुकिंग किया है और निकालते हैं डिलीशियस फूड डिलीवर करने के लिए। हालांकि पैसे लोगों का ही है, मेरा काम है सिर्फ लोगों तक पहुंचाना। तो निकालते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे होते हैं और क्या होते हैं। आज है 43,810 किलोमीटर। दोस्तों लगा दिया पहला ऑर्डर। ये 1 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस है और 5.5 किलोमीटर ड्रॉपिंग डिस्टेंस है। तो निकलता हूँ उसको पिकअप करने। यहाँ से था दोस्तों तो पिकअप कर लिया खाना, अब आराम से निकलता है। इतने धूप में आराम से कहे निकल सकते हैं, जितना भी आराम से निकलना चाहो, लेकिन फटते तो है दोस्तों, पूरा फटी हुई धूप है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे था पहला ऑर्डर, सही सलामत पहुँचा दिया। अब खुशखबरी ये है कि ये पहला ऑर्डर देते देते ही सेकंड ऑर्डर भी लग गया दोस्तों। 2.5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन है और आपका करीब 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा ड्रॉपिंग डिस्टेंस है। दोस्तों ये था, पिकअप कर लिया। ये डिलीशियस फूड चिकन कढ़ाई था। अब निकलता हूँ इसको आराम से डिलीवर देने के लिए। अच्छे से जाता हूँ, थोड़ी सी के लिए बच गया, पीछे से आकर लगा दिया। मैं लगा नहीं दिया, मतलब गुजार रहा था और मैंने भी पीछे तरफ देखा नहीं, तो लग जाने वाला था। चलो निकलते हैं। तो ये ऑर्डर दे दिया दोस्तों। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि ये ऑर्डर देने के साथ साथ तीसरा ऑर्डर भी लग गया है और इसको 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा पिकअप लोकेशन है और आपका 9 किलोमीटर जैसे ड्रॉपिंग डिस्टेंस है। तो मैं चलता हूँ उसको पिकअप कर लेता हूँ। तो पिकअप कर लिया दोस्तों, अभी निकलते हैं इसको सुंदरता के साथ डिलीवर करने के लिए। आज थोड़ा पता नहीं, रास्ता थोड़ा खाली है, लेकिन राइड करके मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर वाला की कृपा से दे दिया ये ऑर्डर, डिलीवर्ड हो गया। और अब ये डिलीवर देते देते और एक ऑर्डर लग भी गया है। 2.5 किलोमीटर पिकअप जाना पड़ेगा, फिर 8 किलोमीटर फिर दौड़ो। अब जा रहा हूँ भागने। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खाना रेडी था, पिकअप कर लिया, अब निकलो फटाफट। जब खाना हाथ में मिल गया तब देर किसी बात की नहीं है दोस्तों, निकलो फटाफट। गाड़ी देखो, संभाल के चलो और निकलो, पहुंचा दो खाना जिन्होंने किया था ऑर्डर। क्या बात है दोस्तों, 4 नंबर वाला ऑर्डर देते देते 5 नंबर ऑर्डर भी लगवा दे। ये बगल में ही है, 250 मीटर दूरी पर पिकअप है और 2.5 किलोमीटर ड्रॉपिंग डिस्टेंस है। दोस्तों झकास, ये भी ऑर्डर रेडी था तो पिकअप कर लिया फटाफट। निकलो अब, देर किस बात की है दोस्तों। और मज़ा आ गया ये ऑर्डर डिलीवर करने के साथ साथ तुरंत लगा दिया नेक्स्ट ऑर्डर दोस्तों। अब ये है 1.5 किलोमीटर पिकअप है और ये 11 किलोमीटर ड्रॉपिंग है। वाह क्या बात है, ये भी रेडी था। डालो और जल्दी निकलो दोस्तों। तो 6 नंबर वाला ऑर्डर यहाँ पे था इस बिल्डिंग में, तो मैंने दे दिया सेकंड फ्लोर में। और बात यह है कि अच्छा लग रहा था कि सातवां नंबर मतलब ऑर्डर दे दिया था, लगवा दिया था। और 2.5 किलोमीटर पिकअप था और करीब 10 किलोमीटर ड्रॉपिंग डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ से निकालने से पहले मेरे को कस्टमर ने फ़ोन किया कि मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मैं केक ऑर्डर दिया हूँ और मुझे चाहिए शाम को 7:30 बजे। अभी मेरे जहन में आया तो मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कैंसिल रिक्वेस्ट भी भेज दिया। तो मैंने कहा ठीक है, सही किया आपने, भले ही मैंने वहाँ पहुँचा नहीं। पहुँचने के बाद मुझे सामान कलेक्ट करना ही पड़ता, या तो फिर कलेक्ट करने के बाद वो कैंसिल करता या तो फिर दुकानदार खुद कैंसिल करता। मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा रेटिंग्स ख़राब हो जाएगा। और बात रहा मतलब अभी पिकअप ड्रॉपिंग का, अब मेरे को ये प्रोसेस आज मतलब पहली बार हुआ है कि कस्टमर ने बोला है अभी ये सामान मेरे को नहीं चाहिए और देर में चाहिए, शाम को 7:30 बजे। अभी मतलब आपका 3:30 बज चुका है, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मैं अभी तो ये मतलब एक्सेप्ट करके रखा हूँ, शायद मैं पिकअप करने जाऊँगा। पिकअप करने के बाद देखता हूँ क्या होता है, लोकेशन के पहुँचने के बाद शायद कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो कस्टमर को तो ऑलरेडी बोल दिया है कि आप कैंसिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं वहाँ जाके मतलब फिर
रिच द पिकअप लोकेशन मारूंगा, उसके बाद शायद कैंसिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं वहाँ। दोस्तों मैं तो पहुँचा था पिकअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पिकअप लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैंने वो रिच द पिकअप लोकेशन पहुँचने के बाद मतलब फिर यहाँ के रेस्टोरेंट वालों से, उस कस्टमर से बात करवा दिया। कस्टमर ने बोला कि ठीक है मैं शाम तक आके लेके जाऊँगा, तो आप लोग रख दीजिए। तो उनसे बातचीत हो गई। अब मेरे को यह करना पड़ रहा है कि मैं तो यहाँ से सामान को पिकअप मार दिया, लेकिन सामान यही है, कस्टमर से बात हो चुका है। और फिर कस्टमर ने बोला ठीक है, अगर मैंने बोला तो मेरे को तो शायद आपकी लोकेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है खाली खाली थोड़ा घूम के भी आ जाओ, सामान मैं ले लूँगा और आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ कुछ दूर आगे तक जाकर, अगर कोशिश करूँगा अगर डिलीवर्ड होता है तो हो जाएगा, नहीं तो पूरा लोकेशन पे जाकर डिलीवर्ड ही मार दूँगा। दोस्तों ये आधा दूर आके मतलब मैंने डिलीवर्ड मारने की कोशिश की तो वो हो गया। अब फाइनल मैं यहाँ हूँ दिगलीपुरी में। तो अभी साथ ही साथ 8वां नंबर भी ऑर्डर लग गया, तो उसका 1.5 किलोमीटर पिकअप है और अभी जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर का ड्रॉपिंग डिस्टेंस है, तो चलते हैं उसको पिकअप करने के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। दोस्तों इसको भी पिकअप कर लिया और निकलता इसको ड्रॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे था दोस्तों 8 नंबर वाला ऑर्डर, तो डिलीवर दे दिया। डिलीवर देने के साथ साथ 9 नंबर ऑर्डर भी तुरंत ही लगा दिया। और दोस्तों ये मालती लगा दिया, अच्छा ही है। 2.5 किलोमीटर पिकअप है और आपका 5.5 किलोमीटर मतलब ड्रॉपिंग डिस्टेंस है। तो चलते हैं उसको पिकअप करने के लिए। दो जगह से पिकअप करना पड़ेगा, दो रेस्टोरेंट है और वहाँ जाने के बाद पता चलेगा ड्रॉपिंग कहाँ कहाँ है। दोस्तों स्पाइसी हार्ट यहाँ से तो एक पिकअप कर लिया और एक है थोड़ा सा आगे, उसको भी पिकअप करना पड़ेगा, फिर निकलूँगा दोनों को डिलीवर देने के लिए आराम से। तो पहले उसको भी पिकअप कर लेता हूँ। तो दूसरा वाला थुकपा पे था, थुकपा से ऑर्डर पिकअप कर लिया। अब पहला वाला देना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर ड्रॉपिंग डिस्टेंस, 1.5 किलोमीटर ड्रॉपिंग डिस्टेंस, तो उसको तो पहले दे लेते हैं। वहाँ पे था तो ऑर्डर दे दिया पहला वाला। अब जाना पड़ेगा 4.5 किलोमीटर सेकंड वाला ऑर्डर देने। तो दोस्तों ये ऑर्डर यहाँ पे था, दे दिया, थर्ड फ्लोर पे था। अब देखते हैं दूसरा ऑर्डर कहाँ है। मेरे को एरिया से पूरा बिल्कुल बाहर रख दिया दोस्तों, मतलब अभी फिर एरिया के अंदर घुसने के लिए मेरे को 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट ऑर्डर देने के बाद 4 किलोमीटर आया, नारंगी पिन्नी अली में बैठा, हाथ मुँह धुला गया और तब से अब 2.5 घंटे जैसे हो गया दोस्तों। अब 2.5 घंटे का 4 बजे से अभी 8 बजने वाला है, 4 घंटा 3.5 घंटा जैसे होने वाला है। अभी भी ऑर्डर नहीं है तो मैंने सोचा मैं यहाँ से थोड़ा हिलना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा अभी 6 किलोमीटर चलते फिर 6 माइल में। शानदार, ज़बरदस्त, बढ़िया दोस्तों। 6 माइल आके खाली रुका ही हूँ, रुक के मतलब डबल डिस्टेंस दे के खाली बैठा ही हूँ और ऑर्डर लग गया दोस्तों। 1 किलोमीटर पिकअप है और 10 किलोमीटर इसको ड्रॉपिंग डिस्टेंस है, तो जाता हूँ इसको पिकअप करने के लिए। बेचारा मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। हाँ हो गया पिकअप, कर लिया पिकअप, अब निकलो फटाफट। तो यहाँ पे था ऑर्डर तो दे दिया ये वाला। तो यहाँ तो रुक रहा था लेकिन बारिश के बूंदे गिर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बारिश आएगा। ये आप लोग देख सकते होंगे शायद एक दो बूंदे ग्लास में गिरे हैं। तो आगे चलता हूँ, अभी यहाँ तो 9:20 हो चुका है और मेरे मोबाइल पे 9:27 हो चुका है, 9:30 हो चुका है। तो रूम की तरफ चलते हैं धीरे धीरे, ऑर्डर तो लगेगा नहीं शायद, ये लास्ट टाइमिंग है। तो दोस्तों अभी रूम पहुंच चुका हूं और 10 घंटे में आपका आज हुआ है 10 ऑर्डर में 570 रुपये हुआ है। बाकी राइड हुआ है किलोमीटर आपका 91 किलोमीटर जैसे राइड हुआ है। तो अभी खाना वाना खाऊँगा, फ्रेश हो गया तो खाना खा के सो जाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लीव ए कमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और दोस्तों हाँ, एक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।